Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I'm Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Ruby College, University of Allahabad. And this time I'm going to discuss with you a very important topic related to secondary education in India. And this time I'm going to discuss various problems of secondary education like diversification of courses, means lack of diversification of courses, vocational lack of vocationalization, and issue of nationalization and textbooks in secondary education. I have covered all these topics in this one video. So let's start diversification of courses. देखिए, आपसे हम secondary education यानी द्वितीयक माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की बात कर चुके हैं. उसमें आप ये जान चुके हैं कि वुड्स डिस्पैच से लेकर आपका हर टॉक कमेटी, हंटर कमीशन और यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भी जितने कमीशन कमिटीज बने हैं शिक्षा व्यवस्था पे, उन्होंने कहा है कि माध्यमिक स्तर पर जो कोर्सेज हैं वो डाइवर्सिफाई होने चाहिए और जो शिक्षा है उसमें व्यवसायीकरण का पुट आना चाहिए. क्यों ऐसा है? क्योंकि आपको पता है इसका हमेशा से बेसिक एक लिंकेज ये है कि हमारे यहाँ अभी भी हायर एजुकेशन में सिर्फ 27% विद्यार्थी इनरोल होता है. इसका मतलब लगभग 73% विद्यार्थी सेकेंडरी एजुकेशन के बाद पढ़ाई नहीं करता. इसका मतलब सेकेंडरी एजुकेशन की पढ़ाई के बाद वो पढ़ाई छोड़ दे रहा है. तो पढ़ाई छोड़ दे रहा है इसका मतलब कि हम उसको वहीं पे उतना फिट बना दें कि वो इम्प्लॉयबल हो सके, वो प्रोडक्टिव मेंबर सोसाइटी का बन सके. प्लस चूंकि उस स्थिति में आके जो बच्चा एडोलेसेंट एज का हो गया है, सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़ रहा है, हायर सेकेंडरी में पढ़ रहा है, उसका एक एक अलग एबिलिटी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट उसका सब सेट हो जाता है, पर्सनैलिटी उसकी एक बन जाती है उस वक्त तक. तो हमको क्यों हम सिंगल ट्रैक एक ही तरीके के विषय लेकर चल रहे हैं? तो यहाँ पे इसका मतलब कोर्सेज में डाइवर्सिफाई कर दें, बहुत तरीके के बहुमुखी कोर्सेज हम चलाएं तो इस विद्यार्थियों की डिफरेंट नीड्स को केटर कर सकेंगे और एक्चुअली हम स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग को कर सकेंगे. तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज की बात की गई है, लेकिन समस्या ये कब उत्पन्न हो जाती है? समस्या तब उत्पन्न हो जाती है कि बार बार बोलने के बावजूद, बार बार संस्तुतियां मिलने के बावजूद अभी भी हम मल्टीपर्पज स्कूल्स नहीं बना पाए, हम अपने कोर्सेज को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाए. ऐसा तो ये है डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज का कंसेप्ट ये है कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए कोर्सेज का. प्रॉब्लम्स में क्या लिखा जाएगा? प्रॉब्लम्स में लिखा जाएगा कि डाइवर्सिफाई कोर्सेज अभी तक नहीं हो पाए. तो अवर सेकेंडरी स्कूल्स शुड नो लॉन्गर बी सिंगल ट्रैक इंस्टीट्यूशंस बट शुड ऑफर अ डाइवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स कैलकुलेटेड टू मीट वेरिंग एप्टीट्यूड्स, इंटरेस्ट्स एंड टैलेंट्स व्हिच कम इनटू प्रोमिनेंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ कंपलसरी एजुकेशन. समझ में आ रही बात? वो कह रहा है कि सेकेंडरी स्कूल्स हमारे सिंगल ट्रैक इंस्टीट्यूशंस नहीं होने चाहिए, एक ही सीधी पटरी पर चले जा रहे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए. बल्कि जो शैक्षिक कार्यक्रम हम ऑफर करें वो बहुत विभिन्न तरीके के, विविधतापूर्ण होने चाहिए ताकि वो विविध विद्यार्थियों के अभिवृत्ति, अभिरुचि, उनके टैलेंट को फुलफिल कर सके, मीट कर सके, मिल सके उनसे. मुदालिया कमीशन जो सेकेंडरी एजुकेशन, आपको पता है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया इसके चेयरपर्सन थे, इसलिए मुदालिया कमीशन के नाम से भी जाना जाता है. इसने भी कहा, क्योंकि बनाया ही सेकेंडरी एजुकेशन के लिए था, इसने भी संस्तुति दी कि मल्टीपर्पज स्कूल्स एस्टैब्लिश किए जाएं, वेयर एवर पॉसिबल टू प्रोवाइड वेरीड कोर्सेज ऑफ इंटरेस्ट, और जहां तक संभव हो सके विद्यार्थियों की विविध रुचियों को पूरा करने के लिए, विविध उद्देश्यों, एप्टीट्यूड्स और एबिलिटीज को पूरा करने के लिए मल्टीपर्पज स्कूल्स खोले जाएं. और डाइवर्सिफाइड कोर्सेज में हमने देखी 7 तरीके के उन्होंने ग्रुप्स बनाए और कहा कि इतने तरीके से आप पढ़ाइए, साइंसेज पढ़ाइए, टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ाइए, कमर्शियल सब्जेक्ट्स जिसमें कॉमर्स इकोनॉमिक्स आ जाएगा आपका वो पढ़ाइए, एग्रीकल्चरल कृषि पढ़ाइए, फाइन आर्ट्स यानी पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट्स, इसमें ट्रेनिंग दीजिए, डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट और होम साइंसेज. इतनी तरीके का मतलब कोई विषय छूटा नहीं है, ह्यूमैनिटीज भी हो गया, साइंसेज भी हो गया, टेक्निकल भी हो गया, कॉमर्स भी हो गया, एग्रीकल्चर भी हो गया, फाइन आर्ट्स भी हो गया, होम साइंस सब हो गया. लेकिन हम ऐसा प्रोवाइड नहीं करा पाते, जनरली हमारा सिंगल ट्रैक इंस्टीट्यूशन चलते हैं. एज एंड व्हेन नेसेसरी एडिशनल डाइवर्सिफाइड कोर्सेज में भी एडिट करें कि अगर जरूरत हो तो आप और डाइवर्सिफाइड कोर्सेज भी ऐड कर सकते हैं, पर कम से कम इन 7 स्ट्रीम में पढ़ाइए बच्चे को. द डाइवर्सिफाइड करिकुलम शुड बिगिन इन द सेकेंड ईयर ऑफ द हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल स्टेज. और ये कह रहे हैं कब से इसको स्टार्ट करना चाहिए? दूसरे हाई स्कूल के दूसरे साल, मतलब आप समझिए 10th या 11th से इसको शुरू करना चाहिए. 10th का 11th 12th में पढ़ाइए हायर, मतलब ये आप तय कर सकते हैं, चुन सकते हैं अपनी लोकैलिटी, अपनी लोकल नीड्स के हिसाब से. पर ये बात हुई कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज होना चाहिए, और जब समस्या में आप लिखेंगे माध्यमिक स्तर की समस्या में तो आप यही लिखेंगे कि डाइवर्सिफाइड कोर्सेज नहीं होते हैं. उसी तरह से वोकेशनलाइजेशन की क्या समस्या है माध्यमिक स्तर पर? यही समस्या है कि वोकेशनल एजुकेशन दी जाए इसकी बात की जा रही है. क्या होती है वोकेशनल एजुकेशन? हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं. यूनेस्को ने डिफाइन किया व्यावसायिक शिक्षा को कि एजुकेशन एक्शन टू प्रिपेयर फॉर वर्क, वो शिक्षा जो आपको कार्य के लिए तैयार करे, मतलब कार्यस्थल के लिए तैयार करे, और
एक्टिव लाइफ, यानी कि आप सतत क्रियाशील रहे अपने जीवन, ये नहीं कि आपने पढ़ाई लिखाई पूरी कर दी उसके बाद आप डॉर्मेंट बैठे हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, आप प्रोडक्टिव नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है. सच एजुकेशन शुड नॉट ओनली एम एट ट्रेनिंग यंग पीपल टू प्रैक्टिस अ गिवन ट्रेड और प्रोफेशन, बट ऑल्सो एट इक्विपिंग देम टू अडेप्ट देमसेल्व्स टू ए वैरायटी ऑफ जॉब्स. कह रहे हैं कि इस तरीके की शिक्षा न केवल जो यूथ है उसको प्रशिक्षण देगी ताकि वो किसी व्यवसाय या प्रोफेशन के लिए प्रैक्टिस कर सके, बट ऑल्सो एट इक्विपिंग वर्क उसको इतना भी सुविधा उतना भी इक्विप कर देगी, परिपूर्ण कर देगी कि वैरायटी ऑफ जॉब्स के हिसाब से वो अपने आप को अनुकूलित कर सके. एट डेवलपिंग देयर कैपेसिटीज कॉन्टिन्यूअसली, और अपनी योग्यताओं को सतत विकसित कर सके टू कीप पेस विद डेवलपिंग प्रोडक्शन मेथड्स एंड वर्किंग कंडीशंस, ताकि अगर वर्किंग कंडीशंस चेंज भी हो रही हैं, प्रोडक्शन मेथड्स डेवलप हो रहे हैं, उनके हिसाब से वो अपने पेस रख सके, मतलब उसके हिसाब से समायोजित हो सके. तो ये यूनेस्को ने डिफाइन किया. अब प्रॉब्लम्स देखिए, मैंने सिर्फ हेडिंग डाली है कि हम सेकेंडरी एजुकेशन में वोकेशनलाइजेशन की बात कर चुके हैं, बट यहाँ आपको प्रॉब्लम्स पढ़नी है तो आप जान लीजिए, आप हेडिंग्स को एक्सप्लोर कर लीजिएगा, एक्सपेंड कर लीजिएगा अपने क्वेश्चन के पूछे जाने के हिसाब से, कितने नंबर का क्वेश्चन है, हाँ शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है, कैसा है. वो कह रहे हैं रॉन्ग एटीट्यूड या लैक ऑफ सोशल एक्सेप्टेबिलिटी. अभी भी भारतवर्ष में अगर आप कोई स्किल ओरिएंटेड कोर्स कर रहे हैं तो आपको वो कमतर आंकते हैं, मानते हैं कि आप में जरूर आईक्यू कम होगा, जरूर आपका किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ होगा, इसलिए आप पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं. जनरली ये वोकेशनल कोर्सेज कहाँ दिए जाते हैं, पॉलिटेक्निक्स में या आईटीआई में. तो यही माना जाता है कि अच्छा अच्छा तुम्हारा हुआ नहीं होगा एडमिशन, तुम उस एग्जाम को पास नहीं कर पाए होगे, इसलिए. तो जो एटीट्यूड है वोकेशनल एजुकेशन के प्रति वो भारतवर्ष में अभी भी सही नहीं है. सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, सामाजिक रूप से अभी भी इसको एक्सेप्ट स्वीकार्य नहीं है ना. डर्थ ऑफ गुड वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अभी भी बढ़िया व्यावसायिक संस्थानों की हमारे यहाँ कमी है. नैरो करिकुलम, जिसमें करिकुलम बनाया जाता है, जो पाठ्यचर्या होती है वो संकीर्ण होती है, मतलब सिर्फ वही स्किल बता रहे हैं, उसको कोई जनरल एजुकेशन या लिबरल एजुकेशन से जोड़ा नहीं जाता है. जनरली ओनली इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. जनरली जो कोर्सेज इस तरीके के चलते हैं वोकेशनल एजुकेशन में, उसमें माध्यम जो होता है इंस्ट्रक्शन का, अनुदेशन का माध्यम, वो अंग्रेजी भाषा होती है, और बहुत सारे लोकल बच्चे, रूरल बच्चे, रीजनल जिनकी लैंग्वेजेस हैं, जिनकी इंग्लिश इतनी बढ़िया नहीं है, उनके लिए दिक्कत होती है. वो कभी कभी वो ऑप्ट करके भी उसको ड्रॉप आउट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता. डर्थ ऑफ क्वालिफाइड या स्किल टीचर्स, देखिए जिसने इस तरीके की ट्रेनिंग ली है वो जनरली अपना कोई वो एंटरप्रेन्योर बन जाता है, वो अपना कोई फर्म स्टैब्लिश कर लेता है. जनरली टीचर्स नहीं बनते हैं, तो इसलिए इस तरीके की फील्ड्स में आपको क्वालिफाइड और स्किल्ड टीचर्स की भी कमी होती है. ये भी एक दिक्कत है कि हम वोकेशनल एजुकेशन बढ़िया नहीं प्रदान कर पा रहे हैं भारतवर्ष में. लैक ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन इन वोकेशनल फील्ड, आपने किसी स्किल को आपने सीख लिया, आपको कोर्स मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया, आपको कोई जॉब भी मिल गई, लेकिन उसके बाद आप उसमें सतत वृद्धि का, सतत अपडेट होने का हम आपको मौका नहीं देते. कंटिन्यूइंग एजुकेशन वोकेशनल फील्ड में उस हिसाब से नहीं है जैसे जनरल एजुकेशन में है, ये भी एक दिक्कत है. फिर ये फिर से आ गया, लेस इम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. अभी भी हम चूंकि स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज है, इसके बावजूद थ्योरी पे ज्यादा बल है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे कम बल दिया जाता है. इनएडिक्वेट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्किल्स एक्वायर्ड बाय द स्टूडेंट्स व्हिच आर नॉट यूजफुल इन प्रैक्टिकल लाइफ. और जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्किल्स दी भी जाती है वो प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के नहीं दी जाती, तो आप सीख के भी आपको समझ में नहीं आता आप उसका यूज कहाँ करें, तो ये अपर्याप्त है. इररेलेवेंस ऑफ कोर्सेज लीडिंग टू ए मिसमैच बिटवीन द लेबर मार्केट नीड्स एंड द ट्रेनिंग स्किल्स, ये सबसे बड़ी समस्या है. क्या समस्या है, हमने कोर्स डिजाइन किया, मान लीजिए हम कारपेंट्री का कोर्स डिजाइन कर रहे हैं, हमने कारपेंट्री का कोर्स डिजाइन कर दिया, उसका करिकुलम बना दिया, आपको सिखा दिया, आप सीख के मार्केट में चले गए, लेकिन जो वर्क प्लेस है, जो मार्केट है, जो चल रहा है, बाजार है, जो बिजनेस है कारपेंटरी का, उसमें वो स्किल्स रिक्वायर्ड ही नहीं, वो आउटडेटेड हो गई है. इसका मतलब कि हमको पहले अपना कोर्स उस तरह से डिजाइन करना चाहिए, मार्केट नीड्स के हिसाब से आप कोर्स बनाइए, तब तो जो बच्चा वहां से ग्रेजुएट होकर निकलेगा, जो इंडिविजुअल, उसको वो एक्सेप्टेबल होगा लेबर मार्केट या जॉब मार्केट में. लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बहुत इतने सारे आपको और रोजगार के अवसर भी नहीं मिलते, इसलिए भी नहीं जनरली वोकेशनल एजुकेशन स्टूडेंट ऑप्ट करना चाहता है. लैक ऑफ फोकस ऑन इमर्जिंग एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अभी भी हमने ये नहीं देखा है, मतलब वही बात हो गई ना कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या चल रहा है उस पर ध्यान ही नहीं है, आपका कोर्स अलग ही चल रहा है, तो कोई मिसमैच नहीं है. हमने इमर्जिंग एरियाज क्या हैं, औद्योगिक विकास किन किन क्षेत्रों में हो रहा है, वो आप अपने करिकुलम का हिस्सा बनाइए, तब तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो. फिर ओवरऑल पुअर इनरोलमेंट इन दी वोकेशनल स्ट्रीम इन स्कूल्स, और अगर इस तरीके के पॉलिटेक्निक्स जो हैं उसमें इनरोलमेंट भी कम होता है, ये भी एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर है. इतने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, इनके तो लागत ज़्यादा आएगी ना वोकेशनल एजुकेशन बनाने में. आपका जनरल एजुकेशन के लिए तो एक ब्लैक बोर्ड है आप, और अपना कुर्सी मेज रख लीजिए, आपकी क्लास बन जाएगी, उसमें ऐसी कोई बढ़िया इक्विपमेंट
खर्चे की बात नहीं है, पर यहाँ तो पूरा इक्विपमेंट लगेगा, पूरा सेटअप लगेगा, तो इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, और उसके बाद इनरोलमेंट भी ना हो, जब आप एडमिशन ही फी नहीं पे करेंगे तो कैसे चलेगा वो इंस्टीट्यूशन, है ना। तो इसलिए ये सारी समस्याएं हैं जो माध्यमिक स्तर पर वोकेशनलाइजेशन में आती हैं। फिर दूसरी समस्या है प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनलाइजेशन इन सेकेंडरी एजुकेशन। देखिए सबसे पहली बात तो नेशनलाइजेशन के दोनों एस्पेक्ट हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और उसके संग दिक्कत भी है, लेकिन आपके कोर्स में चूंकि इसकी दिक्कतें हैं इसलिए आप सिर्फ दिक्कत पढ़िए, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा के राष्ट्रीयकरण में सारी दिक्कतें ही नहीं है, अच्छाइयाँ भी हैं। अच्छाइयाँ ये है कि पूरा एक नेशनल कोर करिकुलम फॉलो हो, सेंटर उसको देखेगा, उसके लिए सब्सिडी देगा, एक यूनिवर्सल तरीके से सब फॉलो होगा, कहीं आपका बच्चे का ट्रांसफर हो कुछ कहीं दिक्कत नहीं होगी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में, सारी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन नेशनलाइजेशन से दिक्कत भी है और भारतवर्ष जैसे देश में ज्यादा दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि हमने कर दिया कि शिक्षा को हमने नेशनलाइजेशन हो गया उसका, हमने कोई एक सेट फॉर्मूला बना दिया, लेकिन अभी भी पेरेंट्स जो हैं वो इग्नोरेंस शो करते हैं उसके प्रति और ध्यान नहीं देते हैं कि अच्छा ये तो होगा कुछ सरकारी है तो फालतू होगा, अगर फ्री जो चीज मिलती है हिंदुस्तान में हम लोग उसको तवज्जो नहीं देते हैं। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, देखिए शुरुआत में जो शिक्षा थी वो राज्य सूची के अंतर्गत इसीलिए रखी गई थी कि ये माना गया कि राज्य, हर राज्य अलग है, हर राज्य की अपनी स्पेशलिटी है, अपनी खासियत है, अपनी लोकेलिटी है, अपना कल्चर है, तो कहा गया, सोचा गया था कि शिक्षा को उस हिसाब से वो टैकल करेंगे, लेकिन चूंकि राज्य फुलफिल नहीं कर पाया इसको, उनके पास पैसा नहीं था, फंड नहीं था, तो फिर सेंटर को आना पड़ा कि ठीक है भैया ऐसा करते हैं कि इसको समवर्ती सूची में रख देते हैं, राज्य भी देखेगा केंद्र भी देखेगा। तो ये जो कोऑर्डिनेशन की दिक्कत है ये हो जाती है जब आप नेशनलाइजेशन कर देते हैं कि कितना केंद्र का हिस्सेदारी है, कितनी राज्य की हिस्सेदारी है, जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है वो कितना होगा, लोकल बॉडीज कितना अपना कोऑर्डिनेशन शो करें, सपोर्ट शो करें, इसका दिक्कत आ जा इसकी दिक्कत आ जाती है जब आप नेशनलाइजेशन की बात करते हैं। नॉट सूटेड फॉर ए डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में अगर आप पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही तरीके की शिक्षा दीक्षा देंगे तो वो कहाँ अपना पर्पस फुलफिल करेगी। कश्मीर में आपको कश्मीरी साहित्य पढ़ना है, कन्याकुमारी में आपको दक्षिण का साहित्य पढ़ना है, तो आप लोकेलिटी के हिसाब से हमेशा इसीलिए बात की जा रही है, लोकल नीड्स को तो ध्यान देना ही पड़ेगा, अगर आप लोकल नीड्स को ध्यान देने बिना शिक्षा उसी हिसाब से स्किल सिखाएंगे तभी तो आप मतलब कि वहाँ की लोकल चीज़ों रॉ मटेरियल में यूज़ करें, आपका खर्चा कम लगेगा, आपको वो वहाँ पे कारीगर आसानी से मिल जाएंगे, वो चीज़ सीख कर आप बाहर निकलेंगे, वो कौशल तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी भी होगी, आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा। तो ये सारी बातों के लिए नेशनलाइजेशन दिक्कत कर देता है क्योंकि वहाँ पे एक सेट क्राइटेरिया सबको फॉलो करना पड़ता है, आप अपना उसमें ऑटोनॉमी या इंडिविजुअलिटी का उतना स्थान नहीं होता है। इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ सेंटर, सेंटर के पास भी देखिए उसको प्राइमरी एजुकेशन, उसने पहले यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन शुरू कर रखा है, अभी तक वो नहीं अचीव हो पाया है, SSA को हम एक्सटेंड करते गए वो समग्र शिक्षा बन गया, वो तब भी अचीव नहीं हो पाया है, तो उसको हायर एजुकेशन भी देखना है, उसको सेकेंडरी एजुकेशन भी देखना है, तो बहुत ज़्यादा सेंटर पर वो हो जाता है, यू कैन से बर्डन हो जाता है, तो वो पहले भी एलिमेंट्री पे ज़्यादा इन्फेसिस, सेकेंडरी पे उतना इन्फेसिस वो अभी तक नहीं दे पाए हैं। हालांकि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, RMSE, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये सब शुरू हो चुका है। लॉस ऑफ लोकल एसेंस या कल्चर, हमारा हमारी जो विशिष्टता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो स्थानीय विशिष्टता है वो खत्म हो जाएगी अगर हम राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इसमें जिम्मेदारी किसकी बनेगी, केंद्र कहेगा कि राज्य भी तो है उसकी भी जिम्मेदारी, राज्य सोचेगा केंद्र की जिम्मेदारी है, दोनों मिलकर सोचेंगे लोकल कम्युनिटी की जिम्मेदारी है, तो किसकी अकाउंटेबिलिटी है, ये भी दिक्कत एक हो जाती है। लैक ऑफ इनोवेशन, जब हम एक सेट क्राइटेरिया चलते हैं जैसे ही हम रिजिड होंगे, वैसे ही जैसे ही हमने फ्लेक्सीबिलिटी को लूज किया वैसे हम इनोवेटिव नहीं रह पाएंगे, हम क्रिएटिव नहीं रह पाएंगे, तो ये नवाचार की दिक्कत आ जाएगी अगर आप नेशनलाइजेशन की बात करेंगे पूरी तरीके से रिजिडिटी के साथ। फिर इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इज नॉट सूटेड फॉर अनइक्वल स्टूडेंट्स, ये बात हम आपसे पहले भी कर चुके हैं कि शैक्षिक अवसरों की समानता बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, लेकिन अगर जिन बच्चों को आप अवसर देने जा रहे हैं वो जब क्लास में इनरोल हुए तभी वो अनइक्वल है, कोई अच्छी उच्च जाति का है, कोई निम्न जाति का है, किसी की इंटेलिजेंस ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी के पास रिसोर्स ज़्यादा है, किसी के पास कम है, और तब भी आप सबको दो 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 देंगे तो किसी के पास 8 था, किसी के पास 10 था, किसी के पास 6 था, किसी के पास 12 था, तो जुड़ के तो सब बराबर अनइक्वल आएगा ना। इसलिए इक्विटी ज़रूरी है, आपको नीड के हिसाब से चलिए, बस ये मत चलिए कि बराबर देना है सबको, सबको एक समान नहीं, एक समान का की बात नहीं है, आप नेशनलाइजेशन करिए पर आपको फ्लेक्सीबिलिटी देनी पड़ेगी। और लैक ऑफ फंड्स और रिसोर्सेज, वही बात है कि सेंटर के पास बहुत एजुकेशन पे देने के लिए उतना उनके पास पैसा नहीं है, उसमें भी प्राइमरी पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता है, मिड डे मील लाखों करोड़ों का चलता है, तो इसलिए लैक ऑफ फंड्स या रिसोर्सेज भी एक दिक्कत हो जाती है नेशनलाइजेशन की वजह से। तो ये नेशनलाइजेशन यानी कि तीन कोर्स, तीन हम लोग पढ़े ना, वो आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज होना चाहिए पर है नहीं,
वोकेशनलाइजेशन होना चाहिए पर है नहीं, नेशनलाइजेशन हो तो गया है लेकिन वो भी पूरी तरीके से सही नहीं, वो भी कहीं कहीं दिक्कत कर रहा है। टेक्स्ट बुक्स, देखिए टेक्स्ट बुक्स की बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पे या प्राइमरी पे भी या हायर पे भी। टेक्स्ट बुक्स हैव ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम। वैसे हायर में तो टेक्स्ट बुक होती ही नहीं है, रेफरेंस बुक आप पढ़ते हैं। तो वो कह रहे हैं भारतीय विद्यालय शिक्षा निकाय को अगर देखें आप तो उसमें टेक्स्ट बुक हमेशा से ही उसका इंटीग्रल पार्ट रहा है ना। हम लोग तुरंत जैसे ही बच्चा क्लास में एडमिशन लेता है उसको बुक्स दे दी जाती है कि इनसे पढ़ाई करनी है। एज दिस स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम एक्वायर्ड मास कैरेक्टर इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, ठीक है, क्योंकि जब हम भारत आजाद हुआ उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम यहाँ चल गया। द एब्सेंस ऑफ गुड क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स बिगेन टू बी एक्यूरेटली फेल्ट। तो ये बहुत महसूस किया गया कि बढ़िया टेक्स्ट बुक नहीं है। तो एजुकेशन कमीशन जो 1964 में आया था उसने कहा कि टेक्स्ट बुक राइटिंग एंड प्रोडक्शन डिड नॉट रिसीव द अटेंशन दे डिजर्व्ड। ये जो टेक्स्ट बुक की राइटिंग और पब्लिकेशन और प्रोडक्शन का काम है उसको वो अभी तक इम्फेसिस नहीं दिया गया, जो कि वो ध्यान नहीं दिया गया जो कि देना चाहिए था। कमीशन ने ये माना कि कुछ फैक्टर्स हैं जो टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं। कौन कौन से? सच एज द लैक ऑफ इंटरेस्ट शोन बाई टॉप रैंकिंग स्कॉलर। जो बहुत बढ़िया पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है, स्कॉलर है, वो किताब लिख ही नहीं रहा है, उसकी रुचि नहीं है किताब लिखने में, इसलिए बढ़िया लोग किताब नहीं लिख रहे हैं, पहली बात। मैल प्रैक्टिसेज इन द सिलेक्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ टेक्स्ट बुक, मतलब इन जनरल, ऐसा नहीं है कि किसी भी बढ़िया आदमी ने किताब नहीं लिखी है। फिर मैल प्रैक्टिसेज इन द सिलेक्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ टेक्स्ट बुक्स, किसको चुनना है, किसको प्रिस्क्राइब करना है। आप देखते होंगे कि अक्सर क्या है, अगर हम ही ने लिख दी किताब तो हम क्लास में जाएंगे तो क्या कहेंगे कि आप यही वाली किताब से पढ़िएगा, या अगर हमको आपका क्वेश्चन पेपर बनाना होगा तो हम कहेंगे हम इसी किताब से क्वेश्चन पेपर देंगे। तो ये तो मैल प्रैक्टिस है ना, आपको ऐसा नहीं कर सकते, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बेस्ट बुक को बच्चे से प्रिस्क्राइब करवाना है, बेस्ट बुक को चुनना है टेक्स्ट बुक के लिए। फिर अनस्क्रपलस टैक्टिक्स अडॉप्टेड बाई सेवरल पब्लिशर्स, बहुत पब्लिशर्स हैं वो भी गलत गलत टैक्टिक्स यूज करते हैं। लैक ऑफ रिसर्च इन द प्रिपरेशन प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक, बस कहीं से कुछ इस किताब से लिया, कुछ उस किताब से लिया, कुछ इस किताब से लिया, सब मिला के एक टेक्स्ट बुक बना दी, यानी कि कोई रिसर्च नहीं की गई है, क्या अपडेशन उसमें जरूरी है, कैसे आप उसको प्रिपेयर करेंगे, इसकी बात नहीं की गई है, ठीक है। Lack of research in the preparation and production of textbooks and the almost total disregard of the need for bringing out ancillary books such as teachers guides and supplementary material, है ना। तो और टोटल डिसरिगार्ड ऑफ द नीड, हमने इस तरीके की बात ही नहीं की है कि हम टीचर्स गाइड्स या सप्लीमेंट्री मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी दिक्कतें मिलकर जो पाठ्य पुस्तक है ये एक समस्या बन जाती है माध्यमिक स्तर पर, ठीक। और क्या है, तो क्या कहा गया, क्या सोचा गया, क्या किया जाए, कि द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च इन 1954 में एक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च बनाया गया और इसको जोड़ दिया गया बाद में एनसीईआरटी से, क्योंकि आपको पता होगा कि स्कूल एजुकेशन पे स्कूल लेवल पे एनसीईआरटी ही बुक्स बना रहा है आजकल। 1961 में इसको जोड़ दिया गया, एनसीईआरटी लॉन्च, तो एनसीईआरटी ने एक बार में एक व्यापक प्रोग्राम चलाया 1960s के लेट में टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन के लिए। द नेशनल बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स इन इट्स फर्स्ट मीटिंग इन 1969 सजेस्टेड दैट द एनसीईआरटी should work out a general framework in the form of principles and criteria for preparing textbooks for different school subjects by actively involving state authorities. तो ये तय किया गया, NCERT ने तय किया कि state authorities को मिला के हम बढ़िया school subjects पे textbook निकालेंगे। Subject specialists, अच्छा ये comma होना चाहिए था, state authorities, subject specialists, teachers and other educators, यानी कि उसमें शिक्षक भी involved हो, उसमें आप other educators को भी लीजिए, आप उसमें subject specialists को भी लीजिए, state authorities को भी लीजिए और मिलकर textbook लिखी जाए। ये भी है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट द स्टेट्स हैव कम ए लॉन्ग वे इन इंप्रूविंग द प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू द प्रिंटिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक्स। मतलब ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हुआ है, राज्यों ने बहुत उस पर काम किया और सुधार हुआ है। हाउएवर, लेकिन तब भी दिक्कत क्या है, देयर इज नो प्रॉपर डिरेक्शन इन द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू द प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन स्कूल्स। तो ये भी है कि मतलब ये नहीं देखा जाता है कि सब्सटेंस क्या है, कंटेंट क्या है टेक्स्ट बुक का, और वो चला दी जाती है, प्रिस्क्राइब कर दी जाती है। पर ये सब पुरानी बातें हैं ना, मतलब अब ऐसा नहीं है। NCF 2005 आया आपका करिकुलर फ्रेमवर्क, इसीलिए NCERT करिकुलर फ्रेमवर्क समय समय पर निकालती है कि आप इसकी लाइट में बुक्स लिखिए। अब तो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई है 2020, तो उस आप देखिए स्कूलों में जितनी किताबें चल रही हैं सब इन द लाइट ऑफ NEP 2020, तो बहुत चेंज हुआ है। लेकिन स्टिल अब क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि टेक्स्ट बुक महंगी बहुत है। इतनी महंगी क्यों है किताबें, हर बच्चा तो इतना उसके पास, मतलब पेरेंट्स के लिए कितना बर्डन सम है। जब नया एडमिशन होता है तो सारी किताबें, वो आज ही न्यूज़पेपर में आर्टिकल है कि उसकी फीस भरनी है, उसको उसकी ड्रेस यूनिफॉर्म लेनी है, उसका बैग लेना है, उसके टिफिन बॉक्स लेना है, बॉटल लेना है, जनरली साल भर में ख़राब हो जाता है। बच्चे चाहते भी हैं कि नई क्लास में चेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए उनका। और बुक्स इतनी महंगी, इतनी पतली किताबें हैं, मुश्किल से 40-50 पेज की, 200-250 रुपए की किताबें। तो ये अगर आप बढ़िया टेक्स्ट बुक दे रहे हैं तो एटलीस्ट उसका सब्सिडाइज कीजिए, उसको उसका रेट कम कीजिए, है ना।
तो इसलिए कह रहे हैं कि आप नेशनल गाइडलाइंस बनाइए ताकि जो कोर रीडिंग और लर्निंग मटेरियल जो बच्चे को मिल रहा है वो बढ़िया हो, एजुकेशनल पॉलिसीज और आइडियल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को फुलफिल करता हो और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के को भी मानता हो। तो ये इतनी तरीके की समस्याएं आपके कोर्स में हैं कि आपको जानना है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज सेकेंडरी एजुकेशन में होना चाहिए है नहीं, व्यवसायीकरण होना चाहिए है नहीं, फिर आपका नेशनलाइजेशन से क्या दिक्कत है और टेक्स्ट बुक में क्या प्रॉब्लम है, ये सब आपसे पूछा जाता है। ये सब आप पढ़ लीजिए, पेरेंट टीचर एसोसिएशन पे मैं आपको मैटर दे चुकी हूँ। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव लर्न फ्रॉम माई सेल्फ।